शिखर में भी पिछले दिनों आटा सटा प्रथा के तहत होने वाली शादी दहेज के कारण टूट गई थी। आटा सटा प्रथा का दर्दनाक मामला सिक्योरिटी सामने आया था, जहाँ एक परिवार को इसके भारी नुकसान उठाना पड़ा। बहन और भाई की शादी होनी थी और बहन की शादी टूटी तो भाई को भी कुंवर रहना पड़ा। इसके लिए फेरों से ठीक पहले दहेज की डिमांड करके बारात को वापस ले जाया गया। ऐसे में दुल्हन और दुल्हन दोनों कुंवर रह गए। अभी पिछली 3 जुलाई को होने वाली इस शादी में दूल्हा पेशाब करने के बहाने फरार हो गया। इसके बाद पूरी बारात भी लापता हो गई। अब इस मामले में दुल्हन पक्ष के पीड़ित लोग न्याय के लिए दादे थाने पर धरने पर बैठ गए हैं। तारापुरा निवासी शोभिता और इसके परिवार वाले कानून के पास राहत मांगने पहुंची, लेकिन उनको कोई फायदा नहीं हुआ। एसपी तक गुहार लगाई गई और पीड़ित पक्ष का कहना है कि क्या सुसाइड कर ले, बेइज्जती से हमारा सब कुछ तो लूट गया और सही होने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। दुल्हन शोभिता कहना है कि अभी पुलिस टालम टोल कर रही है, यदि सुनवाई नहीं हुई तो मैं सुसाइड कर लूँगी, फिर करते रहना अपनी कानूनी कार्रवाई। वही इस पूरे मामले पर झुंझुनू के गुड़ा गोड़जी थाना अधिकारी देवी सिंह का कहना है कि हमें सीकर पुलिस ने नहीं बताया था कि कोई विवाद है। हमारे पास तो लड़की के पिता ने चौकी में बेटे की शादी में हंगामा होने की आशंका जताते हुए सुरक्षा मांगी थी। यदि हमें सीकर पुलिस ने जानकारी दी होती तो उन्हें सूचना देते। बता दें कि तारपुरा की रहने वाले शोभिता की शादी झुंझुनू के बुगला की अजय उर्फ सोनू से होनी थी। वरमाल होने के बाद दहेज की मांग की बहाने फेरों से पहले दूल्हा बारात के साथ लौट गया और इसके बाद शोभिता भाई की कंचन से होने वाली शादी को भी निरस्त करते हुए अजय सिंह कंचन का विवाह करा दिया। धरने में गांव के कई लोग मौजूद रहे हैं। धरने के बाद धूप में बैठे लोगों का कहना है कि अकेले कानून की तरफ देखने का कोई फायदा नहीं है, इससे बढ़िया कानून तोड़ते तो कम से कम किसी की जिंदगी तो खराब नहीं होती। धरने में उपजिला प्रमुख ताराचंद दायल, तारपुर सरपंच संतरा बीचड़ समेत कई लोग शामिल है। उनका कहना है कानून गरीब लोगों के लिए नहीं, कानून बैठे लोग इसका मजाक बनवा रहे हैं। ये गलत है, जब पुलिस को कार्रवाई नहीं करनी थी तो मना कर देना चाहिए, पहले उनको भरोसे में लेकर बिठाए रखा और फिर शादी करवा दी। इस प्रकार राजस्थान के सीकर में दादिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आटा साटा प्रथा के तहत होने वाली शादी टूटने के बाद अब पीड़ित पक्ष के लोग न्याय की मांग कर रहे हैं।